स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ल्ड कप में शनिवार को अर्जेंटीना और मेक्सिको के बीच मैच खेला गया। इस मैच में अर्जेंटीना की टीम ने टूर्नामेंट में शानदार वापसी करते हुए मेक्सिको को 2-0 के अंतर से हरा दिया। इस जीत के बाद अर्जेंटीना के अगले राउंड में जाने की उम्मीदें अभी जिंदा है। इस मैच में मेसी ने एक शानदार गोल किया और टीम को बढ़त दिलवाई। सऊदी के खिलाफ पहले मैच में अर्जेंटीना की हार के बाद टीम के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी था और इस मैच में अर्जेंटीना की टीम ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और टीम ने जोरदार कमबैक किया। अर्जेंटीना और मेक्सिको के बीच खेले गए इस मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों में से किसी ने भी गोल नहीं किया। दूसरे हाफ में मैच का पहला गोल मेस ने किया। यह गोल मैच के 64वें मिनट में आया। इस गोल के बाद अर्जेंटीना की टीम ने मैच में बढ़त बनाई। 35 वर्षीय मेसी ने बॉक्स के बाहर एंजल डी मारिया के पास को उठाया और मेक्सिको के डिफेंस को भेदते हुए गोल के निचले कोने में एक सटीक शॉट लगाया। मेसी ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 2 गोल दाग दिए हैं। मेसी अर्जेंटीना की ओर से इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ खेले गए मैच में गोल किए थे। इस मैच के 87वें मिनट में एंजो फर्नांडेज ने एक और गोल दागा। इस गोल के बाद अर्जेंटीना की टीम ने मैच में पूरी तरह की पकड़ बना ली और अंततः मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद अर्जेंटीना की टीम ग्रुप सी पॉइंट टेबल पर 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं मेक्सिको की टीम 1 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। इस ग्रुप से अभी तक कोई भी टीम बाहर नहीं हुई है। अर्जेंटीना की टीम को अपना अगला मैच शुक्रवार रात से 12 बजे पोलैंड के खिलाफ खेलना है। अर्जेंटीना को टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है, वरना उनकी टीम को ग्रुप के दूसरे मैच जिसमें सऊदी और मेक्सिको टीम खेलेंगी उसके रिजल्ट पर निर्भर होना पड़ेगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।